प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने जताया कृष्णराज के निधन पर दुख, बोले आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी। एलजी की सीबीआई जांच की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने दिया जवाब, कहा कभी खरीदी ही नहीं बसे। एससीओ समिट में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ से होगा सामना। एनजीटी ने जल प्रदूषण को लेकर केरल सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रदूषण मानवता के खिलाफ अपराध। पहले T20I में भारत को मिली 9 विकेट से करारी हार, नहीं चला हरमन और मंधाना का बल्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। खबर मथुरा से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और उनकी पत्नी साथ ठाकुर बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे को लेकर कहा कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दंडवत प्रणाम करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश के सब लोगों के कल्याण की मैं प्रभु से कामना करता हूँ। और बांके बिहारी जी का मंदिर पूरी दुनिया में लोगों को सुख समृद्धि वैभव प्रदान करता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मैं यहाँ के सभी व्यवस्थापकों को, जिन लोगों ने दर्शन कराया, उनको बहुत बहुत आभार करता हूँ। खबर अलीगढ़ से है, जहां जंक्शन पर सीमा फाटक का गेट ट्रेन गुजरने को लेकर बंद था, जिसके बावजूद भी रिक्शा चालक नो एंट्री में पटरी पार करने लगा और वो ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद रिक्शा चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आरपीएफ अलीगढ़ जंक्शन ने रिक्शे को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जो एक रेलवे लाइन पर एक जो रिक्शा वाला रिक्शा क्रॉस कर रहा था, जो ट्रेन की चपेट में आने से बच गया है। ये कल की घटना है, रेलवे स्टेशन अलीगढ़ के नज़दीक में एलसी गेट 110 है। जब गेट बंद था तो वो सीमा फाटक की तरफ से एक रिक्शा चालक जल्दीबाजी में अपने रिक्शे को घूम के नीचे से निकालते हुए ट्रैक को पार कर रहा था। इसी दौरान अप डाउन में आ रही गाड़ी बरौनी नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस से उसका रिक्शा डैश हो गया और जो रिक्शा चालक था वो उससे अलग हो गया था। बाद में हमारे द्वारा मौके पर पहुँच कर रिक्शा चालक की गिरफ्तारी, उस रिक्शे को जब्त किया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां 3 नंबर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस रिसर्च दिल्ली चैप्टर के 7वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस पर दिल्ली एनसीआर सहित देश और विदेश से आए डॉक्टरों ने चर्चा की। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एम्स के डायरेक्टर और पंडित बीडी शर्मा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। एनुअल कॉन्फ्रेंस है, 7वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली चैप्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो एथेरोस्क्लेरोसिस आप लोग जानते होंगे कि बहुत लोगों को जो हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है, तो उसका मेन जो कल्प्रिट होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो खून की धमनियों में थक्का जम जाना, उसकी वजह से होता है। तो इसका थीम था कि न्यू होराइजन इन एथेरोस्क्लेरोसिस डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च, कि एथेरोस्क्लेरोसिस पर और आगे कैसे बढ़ा जाए, इनोवेशन, रिसर्च, न्यू ट्रीटमेंट, सो दैट कि इस बीमारी को, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या एथेरोस्क्लेरोसिस रिलेटेड डिजीज है, उसको कम किया जा सके। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक दिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसके अंदर पूरे देश भर से कई ख्याति प्राप्त स्पीकर्स ने भाग लिया है और विदेश से भी एक स्पीकर आए हैं। और इस पे एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या
जिसे दिल का दौरा कहते हैं या स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया जा रहा है। ESI मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हमारा 7वां वार्षिक जो है सम्मेलन हो रहा है, जिसके अंदर एथरोस्क्लेरोसिस मेन टॉपिक है। एथरोस्क्लेरोसिस जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज अब महामारी बनता जा रहा है, तो उसके निदान के लिए हमने दिल्ली से और बाहर से, दिल्ली के बाहर से, इवन इंडिया से बाहर से भी डॉक्टर हरीश शर्मा ही हैज़ कम, तो हमने उनको बुलाया है। तो सब लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसके लिए, इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग, निदान करने के लिए हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां बिठूर पुलिस ने रमेश नगर निवासी एक युवक को आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर युवक को बुरी तरीके से पीटा। बता दें कि पुलिस ने युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि युवक के मुंह से खून आ गया, जिसके बाद घबराए पुलिसकर्मी ने युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां सेक्टर 64 में सोसाइटियों में सीवर का गंदा पानी घुस रहा है और लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी में ये नज़ारा पिछले 7 सालों से बना हुआ है और कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन निगम के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सोसाइटियाँ 8 साल हो गए इनको बने हुए, और जो आज यहाँ परिवार रह रहे हैं, 1500 के आसपास परिवार रह रहे हैं, और जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, ये मेन रोड है जो यहाँ से लेकर के आपके 80 गांवों को कनेक्ट करता है। जो समस्या देखने लायक है, सोचने लायक है और समझने लायक है। इतनी बड़ी समस्या को भी अगर सरकार अनदेखा कर रही है, तो आप सोच सकते हो कि सरकार क्या है, किस तरह के वादे किए जा रहे हैं और किस तरह की स्मार्ट सिटी है। देखिए, जितने भी RWA वाले हैं, जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने इस मामले को उनके संज्ञान में लाया हुआ है। समस्या तो 6-7 साल से बनी हुई है, पर अब ये समस्या चरम सीमा पर इसलिए पहुंच गई है कि जो 8 सोसाइटीज़ हैं और जिनमें ये परिवार 200 हैं, अब पहले ये परिवार मात्र 50-60 परिवार थे और यही समस्या छोटी थी पर दिखाई नहीं दे रही थी, पर अब इन सोसाइटीज़ में लगभग सभी परिवार आ चुके हैं, इसलिए ये समस्या अब इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि जो परिवार यहाँ रह रहे हैं, अब वो मजबूरी में रह रहे हैं, वरना सब कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ से हम निकल जाएँ और कहीं अच्छी जगह रहने का इंतजाम करें। औरैया के एरवा कटरा में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि बिना ऊंचाई और बिना सुरक्षा के जमीन में खुले रहे विद्युत ट्रांसफर से आए दिन लोगों की जान जाती रहती है। इतना ही नहीं, इस ट्रांसफर की चपेट में आने से कई मवेशियों की भी जान जा चुकी है, जिसकी शिकायत विद्युत विभाग से कई बार की जा चुकी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ट्रांसफार्मर क्या जमीन पे रखा है? ट्रांसफार्मर जमीन पे रखा है, इससे पहले एक सांड मर चुका, एक गाय मर चुकी, कई हादसा यहाँ हो चुके हैं, चिड़िया मर चुकी, एक चिड़िया बकरिया मर चुकी है। तो आपने किसी विद्युत विभाग से पहले, इसके पहले कहा नहीं किसी से? हम कहा, यहाँ लैंड मैनों से कहा, और जैसे भी सूचना करी, किसी ने सुनवाई नहीं करी।
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में गागू गेड़ा गांव में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के सिर पर डंडे से कई बार वार करी। सिर पर गहरी चोट आने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की। ये महाराजपुर थाना अंतर्गत महुआ गांव है, इसमें घाघू खेड़ा उसका मुजरा है। शिव बहादुर सिंह यादव हैं, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है और ये अपने घर में सोए हुए थे। उनके भाई से किसी बात को लेकर इनका अनबन था। रात में उनके भाई ने ही, धनंजय नाम है, उसने डंडे से पीट करके इनकी हत्या कर दी है और भाग गया है। इस संदर्भ में थाना महाराजपुर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, पंचायतनामा आज की कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें रवाना हो गई। शीघ्र ही गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। हमारी फोरेंसिक टीम भी आ रही, वो भी अपना साथ संकलन कर रही है। खबर औरैया से है, जहां के तिलक स्टेडियम में विशाल दौड़ प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इस आयोजन में अन्य जनपद से भी कई लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार रेंजर्स साइकिल और द्वितीय पुरस्कार मिक्सर मशीन और तृतीय पुरस्कार सैमसंग फोन रखा गया। बता दें कि इस आयोजन में लगभग 1000 लड़कों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान इटावा निवासी मोहित ने प्राप्त किया। इसमें कई जनपदों से, औरैया से, इटावा से, कन्नौज से भी, चार जनपदों के फिरोजाबाद से भी लोग आए हैं यहाँ पर मेधावी छात्र दौड़ने वाले। और इनका है जो बहुत है योगदान, हमारे समाज के मास्टर मुकेश जी का पाल, जो है अहिल्याबाई होलकर के जिलाध्यक्ष जी हैं, और हमारे शैलेंद्र जी पाल हैं, अशोक पाल जी हैं, अवनीश पाल जी हैं, इन लोगों का बहुत है इस आयोजन में बहुत अच्छा रोल रहा। और मंगल पाल जी हैं कार्यक्रम संयोग, और कार्यक्रम संयोग बबलू पाल जी बर्मोपुर के हैं, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं